हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जो कि काफी खास है और इस जगह की काफी मान्यता है, तो वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो देखते। तो मैं आया हूँ तुमसर रोड में। हाँ, तुमसर रोड दरअसल महाराष्ट्र का एक गाँव है जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ का एक मंदिर काफी फेमस है जो कि काली माता मंदिर कहा जाता है उसे। और उसकी खास बात यह है कि वो दो पटरियों के बीच है। तो अभी मैं ये स्टेशन पर पहुंच गया हूँ और आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही खास बातें हैं उसके बारे में। माना जाता है कि वो मंदिर है, पुरातन काल का मंदिर है, जिसको लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और उस तो चलो देखते हैं वो मंदिर। अभी मैं ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ, देखते हैं। देख सकते हो आप स्टेशन, तुमसर रोड स्टेशन है ये। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसके बारे में व्लॉग बनाऊं, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये व्लॉग मैं बना रहा हूं आज। अगर आप भी काली माता के भक्त हो तो यहाँ पे जरूर आए, क्योंकि इसमें बहुत मान्यता है ये मंदिर की, और यहाँ पे कहते हैं कि जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी हो ही जाती है। चलो देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे शायद परमिशन नहीं, इसलिए मैं वैसे शूट नहीं कर पाऊंगा उतना, लेकिन मैं जितना हो सके उतना आपको बताने की कोशिश करूंगा। भीड़ देख सकते हो आप, यहाँ पे कितनी भीड़ है, मतलब स्टेशन पे काफी भीड़ दिखाई देती है। एक्चुअली ये मुंबई हावड़ा रूट है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन भी जाती है। और मंदिर आप, मैं दिखा रहा हूँ अभी मंदिर, तो दोस्तों ये वो मंदिर है आप देख रहे हो, ये दो पटरियों के बीच है। काली माता का मंदिर है जो कि काफ़ी मान्यता है इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो शेर सामने हैं, और अंदर एक्चुअली जाने की परमिशन नहीं, ऐसी कैमरे लेके, इसलिए मैं अंदर नहीं, आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो, ये देखो दो पटरियों के बीच में है ये मंदिर। तो अगर आपको भी दर्शन लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पता बता दूंगा, आप आइए, क्योंकि इसको लगभग 100 साल हो चुके हैं यहाँ पे, और 100 साल से यहाँ पे है ये मंदिर, और इसे हटाने की भी कोशिश किए थे अंग्रेजों ने, लेकिन हटा नहीं पाए। दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको कैसा आना, और मैप का भी आपको बता दूंगा। तो ऐसी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आप देख रहे हो एक्सप्रेस, दोस्तों तो मैंने पूरा मंदिर आपको घुमा दिया हो, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव ब्रिटेन। तो मैं अभी बैठ गया हूँ ट्रेन में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा दोस्त भी मेरे साथ है, तो ट्रेन से जा रहा हूँ मैं। तो उसकी विशेषता मैं और बताता हूँ आपको इस वीडियो में, तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों पूरे व्लॉग में मैंने आपको बताया कि वो मंदिर की खासियत क्या है, लेकिन जब मैं गांव वालों से पूछा कि वो मंदिर की खासियत क्या है, तब उन्होंने मेरे को बहुत खास बातें बताई जो शायद ही आपको पता होगी। तो जैसे कि मैं एक व्यक्ति से वहां पे पूछने गया, तो उन्होंने कहा कि काफी लोग 10 साल पहले यहाँ पे उठाने आए थे वो मंदिर, लेकिन वो वहां से उठा नहीं पाए। बहुत जनों की मान्यता ये भी है कि जब वो मंदिर को कोई लाने जाता है तो किसी के सपने में माता आ जाती है, और बाद में वो वहां पे रुक जाते हैं। तो देखते इसकी एक्चुअली सच्चाई क्या है, हमें जान नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे वैसे लोग नहीं मिले हमको जो यहाँ की सच्चाई बता सके, लेकिन वो बहुत ही अच्छा मंदिर था। अगर आपको भी विजिट करना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी लिंक दे चुके हैं और साथ में पता भी दे चुके हैं आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। तो अगर ऐसी वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।